आई जस्ट हैड अ क्रेजी ड्रीम। वैसे तो लास्ट सिटी सी क्लास का स्टोरी ही है, पर हम ठहरे यूट्यूबर और बिना ड्रामा के हमारा शो चलता नहीं, तो ड्रामा के साथ ये एपिसोड। चलो अब स्टोरी फ्रेश होते हुए बताता हूँ। हाँ, तो हुआ ये था कि सिटी सी का लैब था और उसमें बहुत बड़ी टॉपिक दी गई थी जिसमें सबके सामने बोलना था जिस टॉपिक पे, एंड मेरा फियर है पब्लिक स्पीकिंग। स्टिल मैं मतलब क्या हो लिखा स्क्रिप्ट टाइप का पूरा, जैसे लिखता हूँ स्क्रिप्ट लिखते लिखते प्रैक्टिस हो गया था। वो चश्मा चाहिए। हाँ, तो मैंने लिखा, फिर मुझे कॉन्फिडेंट फील हुआ कि मैं ये बोल सकता हूँ और अच्छा लिखा है। सो मैंने हाथ ऊपर उठाया सबके सामने और मैंने जाके बोला, फिर तालियों की आवाज़ सुनी, अच्छा लगा। तो स्पीच में कुछ ऐसा बोला था मैंने। गुड मॉर्निंग एवरीवन, ऑनरेबल टीचर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, आई एम शक्तिजित रौतरे एंड टुडे आई एम स्टैंडिंग हियर टू शेयर माय विजन ऑन द टॉपिक दैट मोस्ट ऑफ अस फियर, एंड दैट इज where do we see ourselves in the next 10 years. The thing is that 10 years is a very big gap, so you cannot actually predict what's going to happen bit by bit, but we all have ambitions, so we can kind of predict where we will be or where we want to be in the next 10 years. For me, I think I'm a jack of a lot of trades. Like, I like photography, I like videography, I like to stay consistent on YouTube, or I like traveling, and a lot more to count. But for now, I'm master of none, and as I'm not a fortune teller, I can't even predict which master I'm going to become. But I just can guess. I might be doing a 9-to-5 job after my graduation, or become an entrepreneur and owning my own company where I'm the boss, or I might be traveling the world with a badass Canon 1DX Mark II or Mark IV, maybe at that time. With 85mm f1.4 lens and a lot other lenses to choose from, and capture all the beauty that the nature has to show us. Or I might just be cooking food for my wife and my kids in my own house. Future is unpredictable, and I don't think I want to ruin the fun of it by predicting it or by fixing it from now. I am Shaktijit Rautaray, and I just want to be a better version of myself in the next 10 years. Thank you. हाँ, तो अब तक पता नहीं चला ना, तो मैं पूरी आ चुका हूँ। Oh shit. Beach vibes. हाँ, तो अभी समंदर वाला शॉट ले लिए, बहुत भगा लिया समंदर भगवान ने। और हाय गो, हाय मोटे भी है साथ में। हम पूरी आए हुए हैं, संडे था, दो हफ्ते से नहीं आए थे, दो तीन हफ्ते से नहीं आए थे,
वही दो तीन हफ्ते, एक महीना नहीं, चार हफ्ते नहीं, जो भी आ गए हैं एक दिन के लिए आए, उसके बाद एग्जाम्स है, फिर कल जाना है सुबह। अभी 11 बज रहा है, बहुत धूप है, काले पढ़ने वाले हैं, पढ़ चुके हैं वो तो है, और पढ़ने वाले हैं, चश्मा लूज हो गया है और एक खरीदना है, और क्या बोलूं, क्या बोलूं, क्या वही, हाँ नया ट्राइपॉड ले तो बहुत हेल्प हो रहा है, क्योंकि ट्राइपॉड तो नहीं, काइंड ऑफ टेबल ट्राइपॉड, मिनी ट्राइपॉड कुछ ही बोल सकते, वो वाला जो था वो टेबल ट्राइपॉड था, थोड़ा बड़ा भारी था, तो नॉर्मल व्लॉगिंग के टाइम मुश्किल होता था, ये छोटा सा हल्का सा नन्ना सा मुन्ना सा है, इजी होता है। और हम पहुंच गए अभी, अब और एक जगह जाना है, वहाँ आउटरो शूट करना है, चलिए मिलते हैं। ये जो रास्ता है मुझे यहाँ पे फोटो खिंचाना है, शाम को वापस आऊंगा यहाँ पे। So the point of sharing that speech with you all guys is, there are mainly two points. The first one is, you have to believe in yourself to and take the first leap, and then even if the leap is just little small one, it will in future it will help you in the bigger leaps. And the second one is, future is unpredictable, but I know you're subscribed to my channel. If you aren't, do it right now. And thumbs up if you liked it. And peace out. See you in the next one. Peace. Are you about to lose your